ओके बच्चों, क्लास 11 के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं फिज़िक्स के। चैप्टर नंबर 1 आपके पास फिज़िक्स की किताब जो है वो मेजरमेंट है। इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए देखते हैं कि इनमें कौन कौन से हैं। एक तो आप बच्चों ने इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं इंडिकेट कर देता हूँ, डायमेंशन से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये एग्जाम्पल नंबर 1.4, एग्जाम्पल नंबर 1.5 और एग्जाम्पल नंबर 1.6 बाई ईटा आर वी लाजमी करनी है। इसके अलावा जब आप न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.6, न्यूमेरिकल नंबर 1.7, 1.8 और 1.9 करना है, राइट? तो 1.7, 8, 9 और 6 ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 1 के। चैप्टर नंबर 2 जो आपके पास है वो वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है। इसको देखते हैं। इसकी आपके पास एक 120 डिग्री वाली एग्जाम्पल होगी, वो बच्चों ने लाजमी करनी है आप सब ने। जिसका आंसर 120 डिग्री है। ये वाली एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2.3, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सॉल्व करके इसका आंसर 120 डिग्री आता है, मैंने इस तरह याद रखी हुई है। बहरहाल आपने ये लाजमी करनी है। न्यूमेरिकल्स पे जब इसका आप आएंगे एक्सरसाइज के, तो आप लोग ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। और आपने थर्ड लाजमी करना है, 2.3, 2.4, 2.5, 2.345, 2.7, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, ये दरमियान से सारे करने हैं ये वाले। और इसके अलावा आपने करने हैं 2.14 या 14 जिसे कहते हैं, 2.14। तो ये दूसरे के हो गए। तीसरा चैप्टर जो है वो मोशन एंड फोर्स है आपके पास। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं अब तीसरे की। इसमें आपने फर्स्ट, फोर्थ, फोर्थ 3.8 लाजमी, 3.10 या 3.10, 3.11 यानी 11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, ये सब आम इंपॉर्टेंट है। मतलब लास्ट 5-6 तो सारी इंपॉर्टेंट, 10 से लेकर 1.5 तक। चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स, इसमें आपने 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 8 लाजमी करना है, राइट? इसके बाद फिफ्थ चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। फिफ्थ में आपके पास सेकंड, थर्ड ग्रामोफोन वाला और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, सेकंड एंड थर्ड, न्यूमेरिकल नंबर 6। इनमें से कोई एक पार्ट आ सकता है, दोनों बहुत लंबे हो जाएंगे, लेकिन कोई एक पार्ट। क्वेश्चन 5.7, 5, 6, 7 और ये लास्ट 2। ये इस दफ़ा फेडरल बोर्ड में भी आया हुआ था। कि आपके अगर अर्थ का रेडियस हाफ कर दिया जाए तो दिन पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन उनका था कि अर्थ का रेडियस डबल कर दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड्स इसके न्यूमेरिकल्स में आप लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, सेवंथ और नाइन्थ करना है। फर्स्ट, सेकंड, सेवंथ और नाइन्थ। Chapter 7 ऑसिलेशंस, इसका बच्चों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 7.2, 7.3, ये पार्ट्स में सारा नहीं आता, पार्ट्स में आता है कुछ ना कुछ चीज़ आती है। 7.2, 3, 4 बहुत इंपॉर्टेंट, 5 बहुत इंपॉर्टेंट और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 चैप्टर 8 वेव्स, वेव्स में बच्चों पहला 8.1, 8.3, 8.4, 8.10 या 10, 8.6 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिजिकल ऑप्टिक्स Chapter 9, Chapter 9 का 9.3, 9.2, 9.5, 9.6, 7 ये इंपॉर्टेंट है। Chapter 10 of geometrical optics, या optical instruments, इसके numerical problems में जब आप आएंगे तो 3rd telescope, 4, 3rd 4, 8 और 9 ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग आ जाएंगे लास्ट चैप्टर पे जो कि है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आपने न्यूमेरिकल नंबर 1 11.1, 11.2, 11.4, 11.6, 7, 8, 11 लाजमी करना है और 9, 8, 9 और 11 एंट्रोपी वाला लाजमी करना है, एक ही न्यूमेरिकल है। तो ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं तमाम बुक के।